टक्कर है, टक्कर कांग्रेस के दो खेमों में है। एक खेमे का नेतृत्व तो पायलट साहब कर रहे हैं और एक खेमे का नेतृत्व तो गहलोत साहब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी एक्शन में आ चुकी है। गडकरी हो या राजनाथ, अमित शाह हो या खुद पीएम मोदी, एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो चुके हैं। हालात तो यह है कि एक नेता जी जाते नहीं और दूसरे पहुंच जाते हैं। एक बैठक होती नहीं कि दूसरी मीटिंग शुरू हो जाती है। पीएम मोदी के जाते ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर पहुंच गए और पहुंचते ही चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुट गए। शाह और नड्डा ने देर रात बीजेपी की बड़ी बैठक ली। जोशी से लेकर पूनिया और शेखावत से लेकर महारानी तक पूरी राजस्थान बीजेपी से मीटिंग में शामिल थी। हालांकि अंदर की खबर तो यह है कि इस मीटिंग में राजस्थान बीजेपी और खासकर कुछ नेताओं को फटकार लगी है। बताया जा रहा है कि नड्डा और शाह ने परिवर्तन यात्राओं में कई जगह भीड़ नहीं जुटने, नेताओं की गुटबाजी के चलते कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर नाराजगी जताई है। पार्टी नेताओं को नसीहत दी गई है कि आपसी गुटबाजी और लड़ाई झगड़ा छोड़कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें। वैसे पूरा सब इन ऑल फील्ड्स गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार फेल्ड है, फेल्यूर है। जाहिर है बीजेपी में बढ़ते झगड़े को देख हाईकमान की ये क्लास तो लगनी ही थी। पार्टी को डर है कहीं बीजेपी में भी कांग्रेस के गहलोत पायलट वाला हाल ना हो जाए। अब तो राठौड़ ने भी ये कह दिया है कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि खुद सीएम गहलोत से है। कांग्रेस गहलोत गुट और पायलट खेमे में बटी हुई है। टक्कर कांग्रेस के दो खेमों में है। एक खेमे का नेतृत्व तो पायलट साहब कर रहे हैं और एक खेमे का नेतृत्व गहलोत साहब कर रहे हैं। टक्कर इस बात की है कि सीटों की बंदरबांट के अंदर कौन सा खेमा बाजी मारे। और टक्कर है अजमेर के अंदर, आपने टक्कर का वो दृश्य देखा होगा जब रलावता साहब और धर्मेंद्र जी दोनों के समर्थक लात घूसों के अंदर आपस में घूसे चला रहे। टक्कर इस बात की है, वरना कोई टक्कर नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी वही मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछली बार अपने शासनकाल में कहा था मैं मुख्यमंत्री नंबर एक हूँ और जब गए तो 21 लोगों को छोड़कर गए थे। इस बार ये लाल डायरी और नाथी के बाड़े की सरकार की विदाई धूमधाम से होगी। बहरहाल इन सबके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है वो यही है कि महारानी का क्या होगा। हर कोई इसी सोच में है कि बीजेपी एक बार फिर वसुंधरा को आगे करेगी या किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। तो बता दें कि पार्टी में अब भी इस पर मंथन जारी है और वसुंधरा की भूमिका पर पार्टी फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पा रही है। हालांकि इस बीच खबर है कि पीएम मोदी 2 अक्टूबर को फिर से राजस्थान आ सकते हैं और ऐसा हुआ तो एक हफ्ते में पीएम का यह दूसरा राजस्थान दौरा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि इस बार राजस्थान बीजेपी के लिए कितना जरूरी हो गया है। अगले साल लोकसभा के फाइनल से पहले बीजेपी हर हाल में राजस्थान का सेमी फिनाले जीतना चाहती है। अब इस पूरे माहौल और गहमा गमी को देख लग रहा है कि इस बार मैदान भले ही चुनाव का हो लेकिन संग्राम बड़ा भीषण होने वाला है।